महेंद्र जी रंग रही जाओ। सम्मानित मानो, आदरणीय अध्यापकगण व अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, इस FLN कार्यक्रम के कारण मैंने जीवन में पहली बार कोई कविता लिखने की कोशिश की है और वो कोशिश सार्थक हुई है, क्योंकि ये सभी टीचर्स के लिए जरूरी था कि वो एक बाल गीत लिखें। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों के लिए शरीर के अंगों को पढ़ाने के लिए, उनके काम बताने के लिए एक लय में पिरोए हुए शब्द दो चार लाइनों में लिखे हैं। वो बच्चा सिर से लेकर के पैर तक चलेगा लगातार कविता के माध्यम से। तो कविता का नाम है अपना तन। आओ तुमको बतला दूं मैं अपने तन का सारा हाल, सिर हमारा सबसे ऊपर, इसके ऊपर काले बाल, दो आंखें दुनिया दिखलाती, कान सुनाते मीठी तान, खट्टा मीठा जीभ बताती, दांत चबाते सब पकवान। आओ तुमको बतला दूं मैं अपने तन का सारा हाल, एक हमारी नाक है ऊंची, उसके नीचे होठ है लाल, मुंह से करते मीठी बातें, नहीं बजाते यूं ही गाल, कंधों से हम ताकत पाते, छाती बन जाती है ढाल। आओ तुमको बतला दूं मैं अपने तन का सारा हाल, हाथों से करते बड़े बड़े काम, होता जग में ऊंचा नाम, अंगूठा अंगुलियां रहते मिलकर, अंगूठा अंगुलियां रहते मिलकर निपटाते हैं सारे काम, पीठ हमारी बड़ी बलवान, बोझ उठाती सारा साल। आओ तुमको बतला दूं मैं अपने तन का सारा हाल, घुटनों के बल बच्चे चलते, कथनों से करते हैं कमाल, एड़ी चोटी का जोर लगाते, पैरों से चलते सुंदर चाल, मिलकर काम करोगे भैया, हो जाएगा जीवन खुशहाल। आओ तुमको बतला दूं मैं अपने तन का सारा हाल। तो ये कविता हम हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, शरीर के अंग और उसके कामों के बारे में। धन्यवाद।